हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। लाइक और कमेंट कर दें दोस्तों। तो चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। ड्यूनोवो इंजन परियोजना के चालक दल ने चीन के एक संयंत्र का दौरा किया। इलेक्ट्रिक मोटर्स DA90S और DA100S यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं, जो SLPVI द्वारा स्लाविका तकनीक का उपयोग करके अपग्रेड किए जाते हैं। वर्तमान में विक्टर अरेस्टोव अधिक शक्तिशाली इंजनों की रिहाई पर काम कर रहे हैं। कारखाने में एक इलेक्ट्रिक कार ई कार मिनी है, जिस पर सबसे पहले DA90S इलेक्ट्रिक मोटर का परीक्षण किया गया था। इस कार का फोटो आप वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और वीडियोस मेरे मिलते रहें। तो दोस्तों, अभी भी टाइम है प्रोजेक्ट में का हिस्सा बनने के लिए। आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी आईडी लगा सकते हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। जिन्होंने आईडी नहीं लगाई है वो अपनी आईडी लगा सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि कंपनी क्या है। तो अपनी स्टडी जल्दी से जल्दी पूरी करें, क्योंकि दोस्तों टाइम निकलता जा रहा है। संभावित है कि इस ईयर में सोलर ग्रुप अपना शेयर मार्केट में मतलब बेचना, न्यू आईडी लगाना वो बंद कर दें और इंटरनल ट्रांसफ़र शुरू कर दें। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अगली बार। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।